गुरुग्राम में मीट मार्केट बनाने के लिए नगर निगम की तरफ से जमीन की तलाशी पूरी हो गई है। सरकार की तरफ से नगर निगम के 4 एकड़ जमीन की मांग की गई, जिसके लिए हुड्डा विभाग ने HHIIDC के से जमीन ले ली है, जिसके अंदर शेल्टर हाउस बनाया जाएगा। यही नहीं, पिछले काफी समय से जमीन निश्चित नहीं हो पा रही थी। गुरुग्राम में शेल्टर हाउस के लिए सरकार की तरफ से पेशकश की गई थी कि रिहायशी इलाकों से दूर कहीं शेल्टर हाउस बनाए जाए, जिससे शहर के तमाम इलाकों से मीट शॉप पर उठ रहे सवालों पर भी अंकुश लगाया जाएगा। यही नहीं, शहर भर में विरोध था कि जो भी रिहायशी इलाकों में मीट शॉप है उन्हें बंद किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की तरफ से लाइसेंस दिया जा रहा है। वही शेल्टर हाउस के लिए भी 4 एकड़ जमीन निश्चित कर ली गई है, जो सेक्टर 18 में बनेगा। वहीं इसके लिए जो प्रक्रिया है, हुड्डा विभाग और HSIIDC के बीच काम चल रहा है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। फूड इंडस्ट्रीज जो है, हमारी फूड डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने कहा था कि एबेटर बनाना है, स्लॉटर हाउस बनाना है, क्योंकि इस रीजन में कोई भी स्लॉटर हाउस नहीं है। उसके लिए हमने कई जगह बार जी जगह चिन्हित कर लिए। नगर निगम के पास में कोई जमीन नहीं थी, हुड्डा ने जमीन दी थी, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आया था, तो उसके बाद में अब HSIIDC से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो लोग हमें जगह दे दें, तो HSIIDC वाले मान गए हैं 2 एकड़ जमीन देने के लिए। और वो जमीन जैसे ही चिन्हित होगी वहां पे एबेटर बनने का काम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए FCI जो है, जो फूड डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो लोग भी हमें सब्सिडी देने के लिए तैयार है। एक स्लॉटर हाउस बनने से जो आप देख रहे हैं कि स्कैटरी मीट मार्केट चलते रहते हैं, उन सबकी समस्याएं, स्लॉटिंग की समस्याएं, वो सारी खत्म हो जाएंगी और लोगों को क्वालिटी नॉन वेज अवेलेबल हो पाए।